कैथल शहर के सेक्टर 19 में हर्ष इंक्लेव में महिलाओं ने सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति पर लगाए हैं आरोप। महिलाओं ने कहा, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया, बदतमीजी की और गंदी गालियां भी दी हैं। अश्लील इशारे करने के भी आरोप महिलाओं ने इस व्यक्ति पर जड़े हैं, जो व्यक्ति हर्ष इंक्लेव का ही रहने वाला है। तमाम जानकारियों के लिए देखिए कैथल ब्रेकिंग टीवी की हर्ष इंक्लेव से विशेष रिपोर्ट। थी वो लड़ाई शुरू हो गई, मुंह यहाँ तक मुंह पे आ गए, तेरा जवानी का जोश उतार दूंगा, तू ऐसे कैसे बोल रहा है हमारे बारे में। मैंने कहा आंटी अंकल को पकड़ो, उकसा रहे हैं जबरदस्ती, गंदे गंदे इशारे, गंदे। फिर इसने भाभी आ गई, फिर भाभी को गाली दी। रंडी आ मेरे पास, आ सोनिया रंडी, मैं ये बैठा हूं, मैं बैठा दीदी को कहते हैं मैं ना कि पार्टी भी चल रहा है और मेरी बाजू में प्लेट है, इसको मारने आया है, इसने इसका गला पकड़ लिया। हिटलर राज नहीं है, कोई बात नहीं बुढ़िया, कोई बात नहीं, तो बना हिटलर मेरे को वो कहां है, बेटा चलो ये खड़े थे, ये गए तो मुझे गालियां बाहर निकलने आ गए। आप सोसाइटी के प्रधान रहे हो, अपने लिए कल को आपको भी गलत बोलते हैं किसी ने। अंकल जी हमें गलत बात है ना, आप जा रहे अंकल जी, आप इस सोसाइटी के प्रधान रहे हो, आपने कितने को गाली सुना, मैं प्रधान रही हूँ मैंने कितने को गाली दी, गलत बात को गलत है। अगर अगर आज भी सपोर्ट करोगे तो कल अपनी लगाई होगी गाली लगेगी। इनका मौसम गलत करने आ गया था, हाथ लगाने का मतलब नहीं बनता, मतलब कोई बात बदमाशी होगी, बिल्कुल बिल्कुल बदमाशी करेंगे। किसने आपको गलत बोला, किसने आपसे क्या, कब ये वारदात हुई, क्या बोल रहे हैं, ये रात रात अच्छा अभी सुबह की उसकी वाइफ मल्लिका से लड़ रहे थे आपस में, तो उन्हीं की शोर सुन के सारी सोसाइटी बाहर आ गई। जब हाँ उससे 10 मिनट पहले मेरा देवर था रमन सिंह, वहाँ यहीं खड़ा था, जब उससे बात नहीं करी उसने, और उसके आने के बाद उसके जाने के 10 मिनट के बाद और ये हंगामा कुछ कर दिया। औरतों के साथ गाली, औरतों के साथ इतनी गाली, किसने किया गाली, शहरी विभाग का रिटायर, उसकी पेंशन भी बंद होए, ये देखो घम कहता मेरे बीजेपी वालों से है तुम्हारी सबकी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हें जान से मरवा दूंगा बीजेपी का नाम लेके, मेरी बीजेपी वाले से पहुंच जाए उनको जान से मारने, जान से मारने की धमकी दी। क्या नाम है आपका, मीनाक्षी से। अच्छा क्या बोला उन्होंने, इशारे भी किए, गंदे गंदे जेस्चर्स किए, वो भी यहां तक पास आए थे, उसको बोला तेरे जवाने का जोश उतार दूंगा, तुम रिफ्यूजी हो, जान से मारने की धमकी दी, फ्लैट के आगे खड़ा हो गया ऐसे करके, ऊपर जाके दिखो मेरी ये सोसाइटी मेरी। हां बुलाइए ना, ये सूरज मत अंकल जी इस टाइम ना ताले की कोई ताले की बात छोड़ो, ही पहले बात पिछली बात खत्म करो, पहले ताले की बात बंद कर करिए, पिछली बात खत्म करो, बाहर जाओ टूट जाएगा वो, बाद में करिए मुर्ता जी बेटा, बात पूछिए बात आज पैसे पे रोला पड़े बैठे जाओ, मैसेज चल रहे हैं ताले की बात, एक मिनट ताले वाली बात मैं आपको बता, अब तो ताले की बात ही उस बात का है, क्यों अंकल ये पूछने की बात है यार, ऐसे की बात पे बताओ गाली दी है, कहां पी रहे अंकल जी, कहां जा रहे हैं गाली दे रहे घर की दी बहन भी है, बेटियां बहुएं भी है, बच्चे भी है छोटे। हाँ जी सर,
हमारे को टेलीफोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक्साइज ऑफिस के बैक साइड में उसके पास कोई लड़ाई झगड़ा है, झगड़े में आए हैं, पार्टी खड़ी है, दोनों पार्टियों को जल्दी में थाना बुला लेते हैं और जो समझ लो। ठीक है जी, आपका नाम जी? मैं एडिशनल एसएचओ धर्मपाल बोल रहा हूं। ठीक है सर। आप भी देनी हो अपनी केला मारने आया और घर में बीजेपी का बंदा हूँ। एसएस मोड नाम है भैया, आपको प्रेस में जरूर देना और उनका फ्लैट नंबर की फोटो मैं भिजवाऊंगी। कोई ना दिक्कत। मुझे नीचे बुलाया उन्होंने। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। क्या पूरा मामला मैम, पूरा पहले का मामला बताएं, पूरा शुरुआत से। सोसाइटी में प्रेसिडेंट बना था कोई, हमें नहीं पता कौन बना है, फंड्स इकट्ठे नहीं हो रहे थे, कोई सेफ्टी नहीं है, घर इसलिए लिया था कि बच्चे की सेफ्टी के लिए, कोई सेफ्टी नहीं है, कभी कोई आके यहाँ पे शराब पीता है, कोई चौकीदार नहीं रखने देते, कभी कोई घुस रहा है, कभी सांड धमकाते हैं, हाँ स्वीपर को भी धमकाते हैं, उसको भी नहीं आने देते। इस बात को लेके ग्रुप में हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि कौन है प्रेसिडेंट, किसने इलेक्ट किया है, वो आते क्यों नहीं है, कुछ हल क्यों नहीं निकालते इसका मैटर का, इनका नाम भी नहीं लिया और हमने, हमें नहीं पता कौन है कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। उतने देर में वो आके नीचे चिल्लाने लगी, आंटी और अंकल दोनों। तो मैं नॉर्मली देखने गई, मुझे लगा किसी और से बात हो रही है, तो मेरे को बोलती नीचे उतर के आ, नीचे उतर के आ, तेरे से बात कर रही हूँ, अब तू आ नीचे। मैंने कहा आंटी आप आ जाओ ऊपर। तो बोलती तेरे बाप के नौकर नहीं है, वो बोलते अंकल कि तेरे बाप के नौकर नहीं है, नीचे उतर के आ तू, तेरे को हम बताते हैं। फिर सन्नी गए, सन्नी ने पूछा आंटी क्या बात हो गई, इतनी बात हुई है तो गंदे गंदे वर्ड्स बोलने स्टार्ट कर दिए, तुम रेफ्यूजी हो और मैं मेरी है सोसाइटी, तुझे जान से मार दूंगा, तेरा जवानी का जोश उतार दूंगा, गंदे गंदे इशारे किए उन्होंने। सब खड़े थे यहाँ पे, इसको प्रोवोक कर रहे थे, मेरे हस्बैंड को इनको प्रोवोक कर रहे थे। उसके बाद हमारे फ्लैट के नीचे आके करके खड़े हो गए, यहीं खड़ा हूँ मैं, जाके दिखाओ ऊपर। मैंने कहा आपका नहीं है ये, हम किराएदार नहीं है, घर है हमारा, कहता मेरी है सोसाइटी। उसके बाद भाभी आ गई, दीदी आ गई, इन लोगों को गंदी गंदी गालियाँ दी, मैं तो इनको संभाल रही थी, आप इनसे पूछो बाकी। मौके पे पुलिस को सूचना आपने दी थी? मैंने दी थी जी, क्योंकि उसने मुझे चौक में खड़े होकर बाहर निकल, गलत वर्ड बोला, मैं बोल भी नहीं पा रही, बाहर निकल दम में, तो बाहर निकल तुम बोल दो आप वर्ड, बोले कहते बाहर है सोनी बाहर जी जी जी। उसके बाद क्या किया आपने? बेटे को बुलाया इन्होंने अपने, मैं बाहर आई, उसकी वाइफ मेरे पास आई, एकदम थ्रेट दिया करती है, खड़ी हूँ क्या करेगी तू मेरे को, धक्का भी दिया। मैंने कहा मैं क्या करूँगी, मैंने वीडियो बनाई अपने जेंट्स वाले ग्रुप में, फैमिली उसमें डाली, ये मुझे धमका रही है, कहती वीडियो क्या बना रही है तेरा, तो मैं ये कर दूंगी तेरा वो कर दूंगी, और गंदे गंदे बोलना शुरू हो गया। फिर मैंने इनको फोन करके बुलाया, नेहा मैं अकेली हूँ आ जा, तो इसको कहता तेरा मैं डायल 112 को फोन किया गया यहाँ। हाँ जी, दो हमने गलती से दो बार कर दिया, दो PCR आई थी। तो मौके पे क्या किया उन पुलिस के? एक गई ऊपर गाड़ी, उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर दूसरी आई तो उन्होंने किया, आपके साथ किया, अभद्र भाषा प्रयोग किया गया, छेड़छाड़ की, धक्का दिया इनके घर, आपके साथ? हाँ। इनके साथ भी और इनके साथ, दोनों के साथ, दोनों इनकी गर्दन तक आया। क्या नाम है? SS मोर है, ये नहरी विभाग के रिटायर्ड है कोई, और हमें कहते हैं मैं बीजेपी का बंदा हूँ, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हें जान से मरवा दूंगा, तुम्हें सोसाइटी से निकलवा दूंगा, और मैं 3 साल के लीगल प्रधान हूँ जो किसी ने नहीं बनाया, तुम मुझे हटा के दे दो, मैं पूरी सोसाइटी का नाश कर दूंगा। क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? मैं इनके खिलाफ की औरतों को, जेंट्स की, इनके जाने की, मेरे हस्बैंड के जाने की वेट की, तो हमें अकेली औरतों को घेरा, अकेले जेंट्स ने, उसकी वाइफ ने। क्या मांग करते हो प्रशासन से? इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, इनकी पेंशन बंद करवाई जाए, जो नहरी विभाग की धोस, बीजेपी की जो धोस दिखाई जा रही है, वो बीजेपी के बंदे सामने लाए, किसके नाम पे हमें थ्रेट कर रहा था। सर मैं तो नाश्ता बना रही थी, मुझे सोनिया भाभी ने कॉल किया, नहीं आ जा मेरे साथ, मैं भागी भागी आई, बिल्कुल मेरे साथ का फ्लैट है, तो बंदा आएगा ही निकल कर, क्या बात हुई क्या, तो मुझसे मतलब मैंने कहा सोनिया भाभी क्या हुआ, तो वो उनसे लड़ते लड़ते मुझसे लड़ने लगे, मेरे ऊपर मुझसे बदतमीजी करने लगे, मतलब गला पकड़ने को हो गए, तो हमने इतने फिर सबको फ़ोन कर लिया, इतने आ गए जेंट्स हमें बचाने के लिए, तो फटाफट वो भाग गए। तो पुलिस मौके पहुंची थी, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस द्वारा? पुलिस को मतलब पुलिस बात में, पुलिस ने सबकी सुनी है, उनकी भी बात सुनी है, हमारी भी सुनी है, अब देखिए क्या रहता है। आरोपी को गिरफ्तार करके ले गए? नहीं गिरफ्तार तो नहीं किया है, गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार नहीं किया है, गिरफ्तार नहीं किया है, जस्ट एक वैसे ले गए हैं पूछताछ के लिए, ले गए, गिरफ्तार नहीं कह सकते आप। उसके खिलाफ फिर लिखित में शिकायत भी दी जाएगी? हाँ लिखित में, बट मतलब किनके द्वारा लिखित में शिकायत दी गई है? SS मोर और उनकी पत्नी ने कहा कि ये ना रात को ये लोग है ना, ये दरवाला यहाँ से चोरी हो गई 2-3 फोल्डिंग्स की, तो रात को किसी ने लोग लगा दिया, मुझे ये भी नहीं पता किसने लगाया, मैं तो बाहर गई थी ग्रेटर नोएडा, तो कह रही है आके, मैंने कहा सुनिए भाभी क्या हुआ क्या हुआ, मैं ताला तोड़ूंगी, कौन होता है हाथ तोड़ दूंगी किसी ने इस ताले को दोबारा लगाया, तो SS मोर की पत्नी, मुझे तो पता भी नहीं किसने ताला लगाया और कब लगा।
आज सुबह 10:30 बजे जब मैं अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए घर से निकला तो मुझे हमारे ही सोसाइटी के रहने वाले एक सज्जन मिस्टर मोर, जो अपने आप को इस सोसाइटी का प्रधान कहते हैं, वो मुझे दिखे। मुझे लगा कि उनके दिल में कुछ ना कुछ है, पर मैं 10 मिनट खड़ा रहा, उन्होंने मेरे से कोई वार्तालाप नहीं की। मैं 10 मिनट खड़ा होकर जब चला गया तो मैं अपने कार्यस्थल पर पहुंच गया। इतने में मेरे पास मेरी बीवी का, मेरे पड़ोस में रहने वाले सन्नी जी का, माटा जी का, सभी का फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे मिस्टर मोर ने यहाँ पर काफ़ी अभद्र व्यवहार किया हुआ है सोसाइटी में। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो सबसे पहले हमारी सोसाइटी में रहने वाले सन्नी जी सेतिया के पास गए और सन्नी जी सेतिया के घर के नीचे खड़े होकर उन्होंने उनकी बीवी से, जो कि बीवी उनकी मल्लिका जी हैं, हमारे साथ ही हैं, मल्लिका जी से नीचे खड़े होकर अभद्र व्यवहार किया, गंदे इशारे किए। जब सन्नी नीचे आया और उसने बड़ी इज्जत से उनसे बात करी कि अंकल क्या बात होगी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो इन्होंने, मिस्टर मोर ने सन्नी को जाति सूचक शब्द कहे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और इसको मारने के लिए उत्तेजित कर रहे रहे। ये तो सन्नी समझदार था, इसने कहा अंकल देखिए आप मुझसे बड़े हैं, आप ऐसे बात मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा क्या कर लोगे, मैं वो शब्द बोल भी नहीं सकता कि जो शब्द उन्होंने इसके साथ इस्तेमाल किए। तो हमारे साथ मौके पर पुलिस वगैरह को सूचना की गई, पुलिस वगैरह को सूचना की गई थी, 112 नंबर पे सूचना की गई थी औरतों के द्वारा। हम तो बाद में आए, पुलिस तब तक आ चुकी थी। तो पुलिस अब मिस्टर मोर को अपने साथ सिविल लाइन थाना लेकर गई है और हमें कह के गई है कि आप आ जाइए पीछे। बाकी जो सही बात है वो औरतें ही बता पाएंगी, क्योंकि मेरे साथ उनका झगड़ा नहीं हुआ। मैंने तो आकर इनसे पूछा है कि क्या बात हुई, उन्होंने औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। सनी सेतिया जी, क्या पूरा मामला? हाँ, मैं और मेरी वाइफ अंदर बैठ के आराम से हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक फ्लैट में रहते हैं मिस्टर एस एस मोर, जो रिटायर्ड है नहर कॉलोनी से। तो वो मेरे फ्लैट के नीचे आ गए, मुझे मेरी वाइफ को पहले बोलते हैं कि तू नीचे आ, तेरे बारे में बात कर रहे हैं। मेरी वाइफ गई कि आंटी जी क्या बात होगी, अंकल जी क्या बात होगी। तो कहते तेरे बाप का नौकर नहीं, तो नीचे आके बात कर। तो मैं इतने गैलरी में गया, मैंने पूछा अंकल जी क्या हो गया, कहता तू नीचे आ। मैं नीचे गया, जब नीचे जाने के बाद मैंने पूछा अंकल जी क्या ऐसी बात हो गई जो आप इतना भड़क रहे हो। अंकल जी बोलते हैं तेरे बाप की सोसाइटी नहीं है, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, तो यहाँ पर रह के दिखा, तेरे को जान से मार दूंगा मैं। मेरे को बोलता अपना जवानी का जोश मत दिखा, तेरे को मैं ये करवा दूंगा, मैं बीजेपी का बंदा हूँ। मैं कहा जी सारे ही बीजेपी के बंदे हैं, बीजेपी सरकार भी हमने ही बनाई हुई है, मैंने कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी दादागिरी दिखा दोगे। मेरे से बहुत उन्होंने कोशिश करी कि मैं इनसे हाथापाई करूं, बट वही बात है कि मुझे पता था कि अगर मैं इनसे हाथापाई करता तो शायद मेरे ऊपर ही उल्टा इल्जाम आ जाता। तो अब क्या कुछ शिकायत दी गई है? शिकायत यही दी गई कि हमसे तो चलो जो लड़े हैं, लेकिन उसके बाद हमारी जो घर की औरतें हैं, हमारी भाभी हैं, हमारी बहन है, मेरी वाइफ है, उनसे सबसे अभद्र व्यवहार किया गया है। सबको उनको गाली गलौज दी गई है, ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं कि अगर शायद आप भी होते तो आप सुन ना पाते, आप भी कुछ ना कुछ उनको मार देते। तो हम यही चाहते हैं प्रशासन से उनका सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनकी पेंशन वेंशन सब बंद होनी चाहिए उनकी। पुलिस मौके पहुंच गई थी, पुलिस को लेडीज़ ने फ़ोन किया है, क्योंकि सारे के सारे बाद में, यहाँ कोई जेंट्स नहीं था सोसाइटी के अंदर, सब बाद में आए हैं और फिर उनको कॉल करके बुलाया गया है। पुलिस पहला ये मामला है या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? ये सोसाइटी में इनका आपस में ही पहले कुछ पंगा चल रहा, हम तो सोसाइटी में भी आए हुए, हमें 6 महीने हुए हैं, तो हमें नहीं पता कि इनका पीछे से क्या चल रहा है क्या नहीं। बट ये इनको एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए था कि हम कोई अकेला मिले, बात करें इनसे, ताकि उनसे लड़ाई झगड़ा हो और हम